मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का टॉपिक है अप्लाइंग एन एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट। देखो, लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से आप अपनी एनिमेशन में कौन कौन से इफ़ेक्ट्स डाल सकते हो। याद होगा आपको, एग्जिस्टिंग का था, एग्जिट करना हो तो आप किस तरीके का ले सकते हो, या फिर आपको इन होना है, या आपको मोशंस का यूज़ करना है, मोशंस पाथ का यूज़ करना है, तो ये सब कुछ आपके किसी भी एनिमेशंस में इफ़ेक्ट डालने के लिए यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए इन्होंने क्या कहा है, कर सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट विद द एनिमेशन इफेक्ट टू इन एप्लीकेट। सबसे पहले आपको अपने अपने स्क्रीन में जो आपकी स्लाइड है उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपको एनिमेशन करना है, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्रॉप डाउन एरो की में आपको क्लिक करना है, जो कि आपको एनिमेशन ग्रुप के अंदर एनिमेशन टैब में मिलेगी आपको। फिर उसके बाद आपको उनमें से किसी भी एनिमेशन को सिलेक्ट करना है, अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पर दिख भी रहा है आपको, सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, एनिमेशन किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है, उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद उन्होंने एनिमेशन टैब में गए और एनिमेशन का जो ग्रुप है उस पर क्लिक किया, तो ये सारी ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये जितनी भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, ये सारे के सारे इफेक्ट्स हैं। इनमें से किसी को भी इफेक्ट्स को अगर चूज़ करते हैं तो वो इफेक्ट जो है आपकी एनिमेशन में दिखाई देगा। उसके बाद द ऑब्जेक्ट विल नाउ हैव टू स्मॉल नंबर नेक्स्ट टू इट टू शो दैट इट हैज़ एन एनिमेशन, कि उसके ऊपर ना एक नंबर लिख दिया जाता है कि यहाँ भी इसके ऊपर इफेक्ट्स लग चुका है। एक नंबर, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर आप जब भी कोई इफेक्ट डालोगे ना तो वहाँ पर नंबर लिखा जाता है कि हाँ भी ये नंबर वन है, नंबर टू है। आप चाहो तो आप एक ही एनिमेशंस के ऊपर दो दो इफेक्ट्स भी डाल सकते हो, ये भी पॉसिबल है। ओके, आप जब करोगे तो पता लग जाएगा आपको। ऑल्सो इन द स्लाइड पैनल द स्लाइड विल नाउ हैव द स्टार सिंबल नेक्स्ट टू इट, कि अब वहाँ पर क्या होगा कि स्लाइड के उसके आगे ना स्टार बन गया होगा। जब आप ये लगाओगे ना, इफेक्ट्स लगाओगे तो वहाँ पर एक स्टार बन जाता है। करा वंस यू ऐड द एनिमेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट इट विल शो अप एन एनिमेशन पैनल, कि जब भी आप उन अपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशन लगा लेते हो तो अब एनिमेशन पैनल में वो दिखाई देगा आपको। करा बाय डिफॉल्ट ऑल द एनिमेशन आर इंस्टेड बाय अ क्लिक बट यू कैन चेंज इट, कि जितने भी एनिमेशन अगर आप लगाते हो वो बाय क्लिकिंग के थ्रू ऑपरेट किए जा सकते हैं, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हो। आप इसको चेंज द टारगेट, राइट क्लिक ऑन द एनिमेशन ऑब्जेक्ट ऑन द पैनल एंड क्लिक ऑन द अल्टरनेट ट्रिगर्स। आप ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो, एरो की का यूज़ कर सकते हो, एंटर की का यूज़ कर सकते हो, ये सारी की चीज़ें, और माउस के क्लिकिंग से भी कर सकते हो ये सब कुछ। और वहाँ पर जब आप एनिमेशन चलाते हो ना तो नीचे सबसे बॉटम में एक एरो की बनते हैं, तो उनका यूज़ करके भी आप एनिमेशन को आगे पीछे मूव कर सकते हो। देखिए यहाँ पर दे रखा है स्टार्ट ऑन क्लिक, कि जब भी आप माउस का क्लिक प्रेस करें तो आपके माउस के क्लिक होने से क्या हो, एनिमेशन स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट विद प्रीव्यू विल कॉज द एनिमेशन टू बिगिन विद द प्रीवियस एनिमेशन, बट इफ इट इज अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इट विल बीइंग एज सून एज यू रीच द स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो, कि जब आप कह रहे स्टार्ट विथ प्रीव्यू, कि जब आप स्टार्ट विथ प्रीव्यू करते हो और जिस एनिमेशन में आप हो, तो वो मान लीजिए आपने तीन तीन एनिमेशन यूज़ की हुई हैं, ठीक है, और आप ये देखना चाहते हो कि किसी भी एनिमेशन को बिफोर विथ प्रीव्यू एनिमेशन किस तरीके से दिखाई देता है, तो उस ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है और उस टाइम में आप उसके ऊपर लगा सकते हो एनिमेशन इफेक्ट लगा सकते हो, और वो फिर बताएगा आपकी व्हेन यू प्रीव्यू किस उसका किस तरीके से आपकी स्लाइड में शो होना है ड्यूरिंग द स्लाइड, जब आप उसको चलाओगे तो किस तरीके से दिखाई देगा। कह रहा स्टार्ट आफ्टर प्रीव्यू विल कॉज द एनिमेशन टू ब्रिंग आफ्टर द प्रीव्यू एनिमेशन एंड, कि जब प्रीव्यू एनिमेशन एंड होता है उसके बाद वो जो ऑब्जेक्ट होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर एंटर करेगा।
कह रहा फॉर टाइमिंग ग्रुप, आप टाइमिंग भी लगा सकते हो एनिमेशन के, इंप्लीमेंट कर सकते हो. और टू प्रीव्यू द एनिमेशन सेटिंग जस्ट प्ले, जस्ट क्लिक ऑन प्ले बटन. आप प्ले बटन पे क्लिक करके अपने प्रीव्यू को भी एक्टिवेट कर सकते हो. तो वहाँ पर आपको प्रीव्यू क्लिक करोगे तो वो चल पड़ेगा, आपका स्लाइड चल पड़ेगी, और आपको क्लिकिंग क्लिकिंग करते करते आप हर एक एनिमेशन के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट आपने लगाया होगा, या सॉरी जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी एनिमेशन लगाया होगा वो आपको शो करेगा. ठीक है, एनिमेशन स्लाइड ट्रांजेक्शन, आप स्लाइड के ऊपर भी एनिमेशन लगा सकते हो. यहाँ तो ऑब्जेक्ट के ऊपर बात हो रही थी ना, अब आप स्लाइड के ऊपर भी लगा सकते हो. कहते हैं इट इज ऑलरेडी मेंशन टू द चैप्टर दैट द प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड दैट रन ऑन द स्क्रीन टू एक्सप्रेस द आइडिया. कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो पावर पॉइंट है एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन टूल है, जो कि कलेक्शंस ऑफ स्लाइड्स होती हैं जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर रन करती हैं, और आपके आइडियाज़ जो भी आपका आइडियाज़ होगा वो उसको लेकर रन करते हैं. ट्रांजेक्शंस आर द इफेक्ट दैट आर अप्लाइड व्हेन द स्लाइड आर एडवाइजिंग फ्रॉम वन टू अनदर. कि स्लाइड इफेक्ट्स भी आप लगा सकते हो, जब स्लाइड इफेक्ट लगाते हो तो वो भी इफेक्ट्स में आएंगी और एक के बाद एक परफॉर्म करेंगी. ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स हैविंग मूवमेंट टू द स्लाइड एंड ऑल्सो यू टू स्पेसिफाई हाउ टू स्लाइड शुड परफॉर्म ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द स्लाइड शो. कि ये भी आप कर सकते हो कि जब ट्रांजेक्शन इफेक्ट लगाते हो किसी भी गिवन द मूवमेंट ऑफ स्लाइड, आप किसी भी स्लाइड के ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन लगाते हो तो वो एक स्पेसिफाई करता है कि आप ड्यूरिंग दैट टाइम किस तरह की स्लाइड शो कराना चाहते हो आप. ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स कंट्रोल द वे ए स्लाइड एडवांस फॉर वन टू अनदर. कि यहाँ पर एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो किस तरीके से इफेक्ट हो वो भी आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो. कह रहा सिलेक्ट द स्लाइड टू यू विल यू वॉन्ट टू बी अप्लाई ट्रांजेक्शन. पहले आपको स्लाइड चूज करनी पड़ेगी जिसके ऊपर आपको ट्रांजेक्शन करना है. उसके बाद आप ट्रांजेक्शन टैब में जा सकते हो जिसमें आपको ट्रांजेक्शन इफेक्ट के अंदर ट्रांजेक्शन टू द स्लाइड नाम का एक ग्रुप मिलेगा, उस पर आप जा सकते हो. उस पर क्लिक करोगे तो पावर पॉइंट में जितने भी डिफॉल्ट स्लाइड ट्रांजेक्शन्स हैं वो आपको सारे के सारे वहाँ पर आपको प्रीव्यू करेंगे. आप उनमें से किसी पे भी क्लिक कीजिए तो वो इफेक्ट आपकी स्लाइड में आएगा. जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे हो ट्रांजेक्शन्स के अंदर, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये जितने भी हैं ये सारे इफेक्ट्स हैं जो कि आपकी स्लाइड के ऊपर पड़ते हैं. ठीक है, देखो प्लैनल है, आपको इनके अंदर भी और ऑप्शंस मिल जाएंगी. ये यहाँ पर देखो कुछ बटन्स भी रखे हैं, आप इनका यूज़ भी कर सकते हो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट में हैं. मतलब कहने का मतलब ये है कि आप एनिमेशन इफेक्ट जो है वो स्लाइड के ऊपर भी लगा सकते हो और आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर भी लगा सकते हो. दोनों पे लगाने पर आपका जो ट्रांजेक्शन है, जो आपकी प्रेजेंटेशन है, वो बहुत अच्छी दिखाई देती है. यू कैन चेंज द इफेक्ट ऑन द स्लाइड ट्रांजेक्शन फ्रॉम द इफेक्ट ऑप्शन मेनू. कि अगर आप अपना इफेक्ट चेंज करना चाहते हो तो आप इफेक्ट ऑप्शन मेनू में जाकर कोई भी ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हो. इवन एवरी स्कीम हैज़ अ यूनिक सेट ऑफ इफेक्ट ऑप्शन. और हर एक ऑप्शन में, हर एक स्कीम के अंदर आपको पर्टिकुलर हर तरह की इफेक्ट्स मिलेंगे, यूनिक मिलेंगे, अलग अलग तरह के इफेक्ट्स मिलेंगे तो आप लगा सकते हो. इट शुड बी टाइम, अगर आप चाहते हो कि वो भी टाइम के हिसाब से ही आए तो वो भी आप कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई द ट्रांजेक्शन टाइमिंग सेटिंग. ठीक है, अगर आप टाइमिंग सेटिंग करना चाहते हो तो आप टाइमिंग सेटिंग भी कर सकते हो. तो ये यहाँ पर टाइमिंग ग्रुप के अंदर मिलेगा. उसके बाद प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आप अपनी स्लाइड का जो ट्रांजेक्शन है वो भी देख सकते हो कि किस तरीके से आपकी स्लाइड जो है आपकी स्क्रीन में आ रही है. सेटिंग अप एंड रनिंग अ स्लाइड शो. कि आप जब सेटिंग अप करते हैं और स्लाइड शो करते हैं तो क्या क्या करना पड़ता है आपको. As mentioned earlier in the chapter, a presentation software is used to create and run the slideshow. कि आप पहले ही पढ़ चुके हो कि जो presentation software होते हैं वो create किए जाते हैं और run किए जाते हैं, slide show run किए जाते हैं. PowerPoint also presentation to be run as a slideshow. कि PowerPoint जो है उसको आप always जो भी आप presentation बनाते हो उसको आप slideshow करते हो. A slideshow enables the slider to apply a full screen
सीन वन बाय वन। आपको मालूम ही है कि जब भी आप स्लाइड शो करते हो तो आपका जो जो नॉर्मल व्यू होता है आपके स्लाइड का, वो फुल स्क्रीन में आ जाता है और आप फुल स्क्रीन में वो दिखाई देता है आपको, कंप्यूटर की या मॉनिटर की या लैपी की या प्रोजेक्टर की पूरी स्क्रीन में दिखाई देता है। और अब आप अपने माउस के बटन से क्लिकिंग करके या फिर अपने एरो कीज के बटन से क्लिक करके या एंटर की का यूज़ करके उन स्लाइड्स को आगे की तरफ चला सकते हो। मैं आपको पहले भी कह रहा कि आप इन कीज़ का यूज़ करके, माउस की क्लिकिंग का यूज़ करके भी अपनी प्रेजेंटेशन को वन बाय वन बाय वन बाय स्लाइड्स को आगे की तरफ मूव कर सकते हो। अगर मान लीजिए एक आपके पास दो स्लाइड्स हैं और दो स्लाइड, पहली स्लाइड में आपके तीन ऑब्जेक्ट हैं और दूसरी स्लाइड में दो ऑब्जेक्ट हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, आपने जब इसको शॉर्टकट की भी है कंट्रोल एफ करके, आप सॉरी F5 की जो है फंक्शन की F5 है ना, उसको प्रेस करके आप अपना प्रेजेंटेशन को रन कर सकते हो। ठीक है, जब आपने F5 प्रेस किया ना तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी जो स्लाइड के ऊपर ट्रांजेक्शन थी उसको पहले वो आएगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपने एंटर की प्रेस करोगे तो एंटर की करने पे क्या होगा, आपका जो पहला ऑब्जेक्ट है वो आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा, आपका सेकेंड स्लाइड ओपन करेगी। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्लिक करोगे तो आपके उसी के सेकंड स्लाइड के अंदर फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट हैं वो आएंगे, उसके बाद अगला क्लिक करोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन बंद हो जाएगी। तो ये जो एक पैटर्न है ना, ये आप बाय क्लिकिंग भी कर सकते हो, बाय एंटर कर सकते हो, बाय एरो की कर सकते हो, और साथ में आप ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो। ये सब कुछ है इसके अंदर कि स्लाइड वन बाय वन आपके सामने आ रही है, उसको हम स्लाइड शो कहते हैं। स्लाइड शो कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द स्लाइड शो टैब। आप स्लाइड शो टैब के अंदर जाकर अपना स्लाइड शो क्रिएट कर सकते हो, जो कि MS PowerPoint 2010 में मिलता है आपको। As mentioned above, slide can either run on their own by one or one automatically or can run triggerly by event such as mouse click. ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कि आप चाहो तो automatically भी कर सकते हो अपनी slides को run करने के लिए, या आप mouse के clicking पे भी कर सकते हो। Manually और automatically ये दोनों ही आपके वहाँ पर mention है, आपके options में आते हैं, आप वहाँ पर टिक कर दोगे। अगर टाइमर सेट कर दोगे तो वो automatically में चला जाता है। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हो, यहाँ पर देखिए ये रहा आपका, देखोगे कह रहा कि स्लाइड शो टैब है ये आपका, ये देखिए स्लाइड शो टैब यहाँ पर खुल चुका है आपका। फिर उसके अंदर इट इज़ वेरियस ऑप्शन टू सेटअप एंड रन अ स्लाइड शो, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिसका यूज़ आप कर सकते हो अपनी फाइल्स को रन करने के लिए। ठीक है, तो किस तरीके से कर सकते हैं आइए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इन्होंने कैटेगराइज कर दिया गया है स्टार स्लाइड शो। सबसे पहले आप बिगन, मतलब आप अपनी स्लाइड शो जो है वो स्टार्ट करना चाहते हो, अगर बिगन से करना, सबसे पहली स्लाइड से करना चाहते हो या करंट स्लाइड से करना चाहते हो। करंट स्लाइड मतलब होता है कि अगर आपके पास 5 स्लाइड्स हैं तो अगर आपके पास तीसरी स्लाइड में आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो वो आपकी करंट स्लाइड हो जाती है, और अगर बिगन का मतलब होता है फर्स्ट स्लाइड के अंदर है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, इट ऑल्सो यूज टू ब्रॉडकास्ट द स्लाइड शो यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ब्रॉडकास्ट सर्विस, कि जो भी आपका आपका स्लाइड शो होगा वो पावर पॉइंट के ब्रॉडकास्ट सर्विस के थ्रू होगा। ठीक है, कस्टम स्लाइड शो करा यहाँ पर आपको क्या कहते हैं कि यू कैन पिक द स्लाइड यू वॉन्ट टू रन, यहाँ पर आप पिक कर सकते हो कि आपको कौन कौन सी स्लाइड जो है वो रन करनी है, तो ये आपके स्लाइड शो में आता है। उसके बाद आपका था सेटअप। सेटअप का मतलब है कि सेटअप स्लाइड शो, इट हेल्प टू सेटअप द स्लाइड शो इंक्लूडिंग ब्राउजर फुल स्क्रीन डिस्प्ले। ठीक है, आप सेटअप कर सकते हो कि आपको अपनी जो स्लाइड शो है वो फुल स्क्रीन से चाहिए, किस मोड में चाहिए, तो आप शो द ऑप्शन विदाउट नेविगेशन एनिमेशन पेन और लेजर कलर अंडर द स्लाइड शो। आपको अगर ये नहीं चाहिए तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हो, मतलब कि नहीं अप्लाई कर सकते हो, विद और विदाउट, मतलब आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप हाइड स्लाइड कर सकते हो, किसी भी स्लाइड को अगर आप नहीं दिखाना चाहते हो तो उसको आप हाइड कर सकते हो, तो हाइड स्लाइड कमांड मिलती है आपको, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद रिहर्स टाइमिंग है। रिहर्स टाइमिंग एक ऐसी कमांड है जिसमें क्या होता है कि आप पूरी एंटायर स्लाइड होती है ना जो आपकी पूरी की पूरी स्लाइड है, उस स्लाइड की जो टाइमिंग है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मतलब कि आप अगर मान लो कोई टेक्स्ट है
टेक्स्ट में बहुत सारा लिखा हुआ है, अगर आप उसको उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को आप कितने सेकंड्स के लिए आप अपनी स्लाइड के ऊपर डिस्प्ले कराना चाहते हो तो आप उसको एक पर्टिकुलर टाइम दे सकते हो। मतलब ऑटोमेटिकली में क्या होता है, ऑटोमेटिकली में तो जो एक टाइम दे दिया कि हाँ 5 सेकंड है तो 5 सेकंड ही रहेगा, सबके लिए 5 सेकंड रहेगा, लेकिन रिहर्स टाइमिंग में क्या होता है, आप हर एक ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर टाइमिंग दे सकते हो। ठीक है, रिकॉर्ड स्लाइड शो, ये रिकॉर्ड स्लाइड शो का मतलब है कि आप रिकॉर्ड कर सकते हो कि इट रिकॉर्ड द स्लाइड शो इंक्लूडिंग द नेविगेशन एंड एनिमेशन, कि नेविगेशन और एनिमेशन को जब आप करते हो तो रिकॉर्ड कितना टाइम लगता है स्लाइड शो होने में। शो स्लाइड शो चेकबॉक्स कि आप इट हेल्प टू गेट द अवॉइड द यूज़ ऑफ नेविगेशन ऑडियो एंड रिहर्स टाइमिंग ड्यूरिंग द शो, कि ये आपको अवॉइड करता है कि अगर आप नेविगेशन ऑडियो और रिहर्स टाइमिंग का अगर यूज़ किया है तो यहाँ पर इस चीज़ को अवॉइड कर देता है। इट ऑल्सो हेल्प टू सेट द शो मीडिया कंट्रोल, और ये आपको शो मीडिया कंट्रोल का भी हेल्प देता है। अगला आपका मोशन मोनिटर्स है। नेक्स्ट आपका आता है मॉनिटर रिजोल्यूशन, इट डिस्प्ले द रिजोल्यूशन इन द स्लाइड शो व्यू। ठीक है, ये आपका पहला है। शो ऑन, इट पिक द मॉनिटर ऑन विच द प्रेजेंटेशन इन टू बी डिस्प्ले इन द केस ऑफ मल्टीपल मॉनिटर, अगर आप मल्टीपल मॉनिटर में उसको शो करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। और यूज़र प्रेजेंट व्यू, प्रीसेंट व्यू, इट रन द प्रेजेंटेशन इन अ प्रीसेंट व्यू रेदर देन द स्लाइड शो व्यू, ये स्लाइड शो व्यू से अलग इसका लुक आता है। तो इन सब के बारे में देने के बाद उसके बाद लिखा है कि परफॉर्म द बिफोर, इन सबको अगर आप यूज़ करते हो ठीक है तो आपको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले कह रहा है कि आपको सेटअप द स्लाइड शो में जाना है, वहाँ पर क्लिक करना है, वहाँ पर सेटअप ग्रुप मिलेगा आपको, स्लाइड शो टैब मिलेगा, तो आपको वहाँ पर अपना क्या करना है, स्लाइड्स को चूज़ करना है कि सेटअप शो डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, एक सेटअप शो डायलॉग बॉक्स विल अपीयर होगा, उसमें से आपको हर एक कमांड्स को लेना है। फिर उसके बाद यूजिंग टाइमिंग है, इफ़ प्रेजेंट रेडियो बटन्स टू एडवांस द स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली वन बाय वन आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, आप चाहो तो आप हर एक ऑब्जेक्ट को प्रेजेंटेशन को ऑटोमेटिकली टाइमिंग दे सकते हो। देखो इसमें दो तरह से काम होता है, पहला काम तो मैन्युअली होता है ठीक है, मैन्युअली रेडियो बटन होता है, वहाँ पर मैंने आपको कहा था ना कि जब भी आप एक प्रेजेंटेशन, मान लीजिए ये आपकी स्क्रीन है ठीक है, ये स्क्रीन है आपकी और यहाँ पर इस कोने में ना आपको कुछ रेडियो बटन्स मिलते हैं, आप उनका यूज़ भी कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन को आगे और पीछे करने के लिए। दूसरी चीज़ है ऑटोमेटिकली आप करते ही हो, ऑटोमेटिकली का मतलब आपको मालूम है कि एक पर्टिकुलर टाइमिंग दे दिया जाता है कि फाइव मिनट्स दे दिए जाते हैं या फाइव सेकेंड्स दे दिया जाता है कि पर्टिकुलर स्लाइड जो है 5 सेकेंड्स के लिए अपीयर करेगी आपकी स्क्रीन में, उसके बाद वो अगली स्लाइड आ जाएगी। तो ये भी सब हम कर सकते हैं, और बाई क्लिकिंग ऑन द माउस और एंटर की, इनका यूज़ करके भी आप कर सकते हो प्रेजेंटेशन को एक्टिवेट और डिसएक्टिवेट ठीक है। और ये कुछ ऑप्शंस और दे रखी हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैन्युअली दे रखा है ठीक है, कुछ कमांड्स हैं, कह रहा है यू कैन सेट अप ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम हेयर, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं, आप किस तरीके से देना चाहते हो दे सकते हो। नेक्स्ट कमांड है आपकी रिहर्सिंग टाइमिंग ऑप्शन है, रिहर्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट ये इंडिविजुअली, देखो अगर आपने ऑटोमेटिकली सेट किया है तो ऑटोमेटिकली मतलब है कि आपने 5 स्लाइड हैं आपके पास, 5 स्लाइड्स हैं, आपने 5 स्लाइड्स को पॉइंट मतलब 7 सेकंड का दे रखा है, 7 सेकंड कि हर स्लाइड जो है 7 सेकंड्स के लिए अपीयर करेगी स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद वो डिसअपीयर कर जाएगी। लेकिन रिहर्स टाइमिंग का ये आता है कि आप हर एक ऑब्जेक्ट को, अब देखो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल देखो क्या है, अब ये देखो इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है ना, तो आप चाहते हो कि मैं हर एक चीज़ को अपने हिसाब से टाइम सेट करूं, तो आपकी जो ये जो स्लाइड पहली स्लाइड है वो 7 सेकंड्स की ना हो, वो डिपेंड करे कि डॉक्यूमेंट में कितना मैटर है उसके ऊपर डिपेंड करे। तो मैं हर क्लिकिंग पहले इस कमांड को एक्टिवेट कर दूंगा, एक्टिवेट करने के बाद मैं क्लिक करूंगा तो ये अपीयर करेगा, फिर मैं क्लिक करूंगा फिर ये अपीयर करेगा,
तो मैं देखूंगा कि अब भाई इस लाइन को पढ़ने के लिए भी तो मुझे कम से कम 5 सेकंड 10 सेकंड का टाइम चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से काम करूंगा, फिर मैं अगले पे क्लिक करूंगा, फिर ये क्लिक करूंगा, तो इसके हिसाब से इस पूरी स्लाइड का जो टाइमिंग है ना वो तकरीबन आपका 50 सेकंड्स भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आपकी जो स्लाइड होती है रिहर्स टाइमिंग में, जो आपकी 5 स्लाइड्स होंगी वो 5 स्लाइड्स आपकी 7 मिनट की, 5 मिनट की, 3 मिनट की, वो डिपेंड करता है आपके मैटर के ऊपर, डिपेंड करता है उसके ऊपर से बन जाती हैं। तो ये है कि आप अपने हिसाब से अपनी स्लाइड को, पर्टिकुलर स्लाइड को कितना टाइम देना चाहते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, उसके लिए हम रिहर्स ऑप्शन को यूज करते हैं। ठीक है, तो रिहर्स ऑप्शन के लिए आपको स्लाइड शो टैब में जाना है, रिहर्स टाइमिंग को वहाँ पर क्लिक करना है, आपको सेटअप ग्रुप में मिल जाएगी, एंड व्हेन यू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन नाउ यू कैन रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग बॉक्स अपीयर एट द टॉप। और जब भी आप रिहर्स टाइम को मतलब कि एक्टिवेट करते हो तो उसका रिकॉर्डिंग बॉक्स जो है आपके स्क्रीन के पैनल के ऊपर यहाँ पर शो करता है। ठीक है, और वो आपको बताता रहता है कि आपने कितना टाइम इस स्लाइड को दे दिया है, आप हर एक क्लिकिंग के बाद जो भी अपीयर करेगा उसके लिए आप कितना टाइम दे रहे हो, वो सब वहाँ पर ऐड होता रहता है। और लास्ट में जब आप फिनिश करते हो तो एक प्रॉपर टाइमिंग बन जाती है कि हाँ भी इतना टाइम इस स्लाइड को मिला है और ये पूरी प्रेजेंटेशन इतने मिनट की है, वो पूरा प्रॉपर दिखाता है। नाउ प्रिंटिंग स्लाइड हैंडआउट, कि अगर आप हैंडआउट के जो आपकी हैंडआउट है उसका अगर प्रिंट चाहते हो तो किस तरीके से ले सकते हो, उसके लिए इन्होंने यहाँ पर दे रखा है फीचर है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप प्रिंटआउट ले सकते हो। देखो ये आप यहाँ पर कमांड है, कहना आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रेजेंटेशन वेयर यू वॉन्ट टू बी प्रिंट इन द हैंडआउट, हैंडआउट में आपको जो भी प्रेजेंटेशन आपने बनाई है हैंडआउट के, हैंडआउट को लेकर सबसे पहले आपको वहाँ क्या करना है, क्लिक ऑन द फाइल टैब जाना है, टॉप कॉर्नर में जाकर आपको विंडो में प्रिंट में क्लिक करना है, तो फाइल मीनू पर जाकर आपको प्रिंट में क्लिक करना है, जहाँ पर यहाँ पर दे भी रखा है, ये रहा आपका फाइल मीनू, आपका प्रिंट कमांड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या दे रखा है उन्होंने, नेक्स्ट स्टेप दे रखा है कि फुल पेज स्लाइड ड्रॉप डाउन एरो है, आपको फुल स्लाइड करना है, द चूज द नंबर ऑफ स्लाइड इन हैंडआउट सिलेक्टिंग ऑफ द मेनू दैट यू वांट टू प्रिंट इन ईच पेज, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप एक पेज में हैंडआउट्स के कितने प्रिंटआउट चाहते हैं। ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देना पड़ेगा, और आपको क्वालिटी कैसी चाहिए आपको, यू विल ऑल्सो नोटिस दैट द बॉटम ऑफ दिस मेनू देर इज एन हाई क्वालिटी, आपको वहाँ पर हाई क्वालिटी का भी एक बटन मिल रखा है, ये रहा यहाँ पर हाई क्वालिटी का है। फिर उसके बाद आपको ये भी दे रखा है कि दिस इज रिकमेंडेड इफ योर प्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग कलरफुल एंड डिटेल स्लाइड विद इम्पॉर्टेंट इमेज और ग्राफिक्स हाईली क्वालिटी विल इंश्योर दैट द इमेज लुक्स बेटर बट इट विल ऑल्सो यूज मोर इंक, कि देखो अगर आपने कलरफुल बना रखी है प्रेजेंटेशन वगैरह, आपने कलरफुल वो भी ले रखा है, तो ये प्रिंटर आपको जब भी प्रिंटआउट निकालोगे तो वो आपको बेटर क्वालिटी में दिखाई दे, मतलब आप क्वालिटी को कम ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने हाई क्वालिटी ले रखा है तो आपको जो आउटपुट मिलेगा, जो कॉपी मिलेगी, प्रिंटआउट मिलेगा, वो एक हाई क्वालिटी में मिलेगा, और आपको जैसे आपकी कलर फोटो होती है ना वैसा ही वो दिखाई देगा। चूज़ द नंबर ऑफ द, उसके बाद आपको आता है नंबर ऑफ, कि आपको उस पेज की कितनी कॉपीज चाहिए, तो नंबर ऑफ कॉपीज ड्रॉप डाउन मेनू में है, आप उस पर क्लिक कर सकते हो, जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको बता देगा कि आपको एक कॉपी चाहिए, दो चाहिए, 10 चाहिए, 5 चाहिए, वो नंबर ऑफ कॉपीज आपको यहाँ पर मिलती हैं। उसके बाद आपको क्या कहते हैं कि देन क्लिक द प्रिंट बटन एंड स्टार्ट प्रिंटिंग आउट ऑफ द हैंड आउट, और इसके बाद आप प्रिंट आउट बटन पे क्लिक कर सकते हो और आपका प्रिंटिंग कमांड चल पड़ेगा। उसके बाद लास्ट कमांड है आपकी एग्जिट पावर पॉइंट, अगर आपको अपने प्रेजेंटेशन से एग्जिट होना है तो आप दो तरीके से हो सकते हो, पहला है आपको क्लोज बटन, आपको मालूम ही है हर प्रेजेंटेशन के राइट साइड कॉर्नर में एक क्रॉस बटन होता है, उस पर क्लिक कीजिए आपकी प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाएगी, आप फाइल मेनू पे क्लिक कीजिए उसमें एग्जिट नाम का एक ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कीजिए तो वहां से भी आप क्लोज कर सकते हो, या ऑल्ट प्लस F4 की का यूज करके भी आप एग्जिट हो सकते हो, तो इस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन के बाहर निकल सकते हो। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट योर टॉपिक, ये प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, लास्ट वीडियो है और सारा का सारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, आपको सेम वही है टेस्ट योर सेल्फ के MCQ ट्रू फॉल फिल इन द ब्लैंक बुक में ही करने हैं, और शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो कॉपी में करने हैं। ठीक है, इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं है,
और बची एप्लीकेशन बेस्ड हैं उनको आप बुक में ही करोगे, ठीक है। तो ये सब कुछ आपकी एक्टिविटी है, तो इसको कंप्लीट कीजिए और टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।